अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। आज मैंने एक और छोटी सी फ्रॉक स्टिच की है न्यू डिज़ाइन की, तो मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने डोरियाँ वगैरह बना ली थी इसकी और लूप्स भी बना लिए थे, और मैं आपके साथ वन बाई वन शेयर करती जाऊँगी जैसे जैसे मैंने स्टिच की थी। तो मुझे पीछे डोरी वाला नेक रखना था बैक साइड का, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिया फ्यूजिंग लगा के, और फिर उसके बाद मैंने लूप्स बना लिए। तो हमेशा जब भी लूप्स बनाने हों, जब भी आप लोगों ने लूप्स बनाने हों डोरी डालने वाले, तो उसके अंदर आप फ्यूजिंग लगा के लूप्स बनाया करें। अब इसमें वन बाय वन अटैच कर लूँगी लूप्स और साथ में स्टिच करती जाऊँगी। तो और बैक साइड का नेक रेडी हो गया ब्यूटीफुल सा, और मेहनत करनी चाहिए और अच्छी डिज़ाइनिंग करनी चाहिए ड्रेस के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स को सबसे पहले चुनर डाली थी, और बाद में मैंने फ्रॉक के ऊपर अटैच करके स्टिच किया। और यहाँ पे हम लोग डोरी को अच्छे से फ्लावर्स लगा लेंगे, जो भी आपको समझ आए ड्रेस के अंदर तो वो कट करके आप लगा सकते हैं। जो फ्रंट साइड थी उसके ऊपर एक ही फ्लावर था, तो मैंने जो कपड़े के अंदर फ्लावर्स वगैरह थे तो वो मैंने कट करके मैंने फ्रंट के ऊपर भी लगा दिए थे गम के साथ ना। तो आप जहाँ जहाँ फ्लावर अटैच करने थे मैंने फ्लावर अटैच कर दिए गम के साथ, और इसके ऊपर से अब स्टिच भी कर दूँगी, क्योंकि जब कपड़े वॉश करते हैं तो कभी कभार गम निकल भी जाती है, तो स्टिच ऊपर से लाजमी करनी है। ब्यूटीफुल सी फ्रॉक रेडी हो गई है, ये फाइनल लुक है इस फ्रॉक का। तो हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो ये मैंने अंदाज़े पे कटिंग की थी सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि कभी कभी जो भी आप लोगों के ब्रेन के अंदर डिज़ाइन आ रहा होता है तो वो शेयर कर लेना चाहिए। तो ये मैं आज कितने दिन से ये मैं सोच रही थी कि मैंने कहा चलो ये मैं डिज़ाइन ज़रूर स्टिच करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।